रामपुर जिले के विलासपुर नगर में पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार मिश्र द्वारा थाना दिवस की अध्यक्षता की गई, साथ ही कोतवाली के सभी दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया गया। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना खजुरिया का निरीक्षण किया गया, साथ ही बिलासपुर के गणमान्य लोगों के साथ मीटिंग की और शांति व्यवस्था के बारे में लोगों के क्या क्या सुझाव है उनको भी सुना। इस बारे में बहुत से लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी कि बिलासपुर के अंदर काफी जाम की समस्या रहती है। इसके अलावा खासकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उनमें कुछ घर परिवार के लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, उनके वृद्ध माता पिता यहाँ अकेले रहते हैं, जो उनकी सुरक्षा के बारे में भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जानकारी दी गई। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, तहसीलदार महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी इंस्पेक्टर माधो सिंह विष्ट तथा अन्य अधिकारी लोग भी मौजूद रहे। पेश है रामपुर के संवाददाता असीम अजीज की खास रिपोर्ट। और उनके वृद्ध माता पिता यहाँ अकेले रहते हैं सर, उसके लिए सुरक्षा के लिए पुलिस के कोई इंतजाम? जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे डीजीपी उत्तर प्रदेश सर जो है उनके तत्वावधान में एक प्रोजेक्ट सवेरा वो चलाया जा रहा है, जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं उनके लिए। जो मेरा पूर्व का जनपद था, जनपद इटावा, वहां पे भी मैंने ये कार्य किया था और यहाँ पे भी जनपद रामपुर में भी ये कार्य चल रहा है। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उन सभी का पंजीकरण किया जाता है थाने स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और यही चीज़ों को मैं रिव्यू करके ये सुनिश्चित करूंगा कि जो प्रोजेक्ट सवेरा है वो पूरे जोर शोर से पूरे जनपद रामपुर में चले और जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता देते हुए हमारे SDM साहब, CO साहब के नेतृत्व में उनकी सारी समस्याओं को हल किया जाए और उनकी पूरी सुरक्षा की भी जो जिम्मेवारी है हमारे इंस्पेक्टर साहब वो उसको निभाए। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा जो बीट प्रणाली है वो भी बहुत मजबूत तरीके से थाना बिलासपुर में लागू करने के लिए बताया गया है, जिससे हमारे जो सिपाही है अपने अपने जो चिन्हित गांव हैं, 3-4 गांव जो उनको अलॉट किए जाएंगे वहां पे पहुंचे और वहां के जितने भी लोग हैं उनसे वार्ता करके उनकी सुरक्षा बिल्कुल सुनिश्चित करें, ऐसी बीट प्रणाली व्यवस्था पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कई हमारे जो प्लानिंग है उस पे हम लोग कार्य करते रहेंगे और मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारी जो टीम है तहसील स्तर की वो लगातार अच्छा कार्य करती रहे।